जो हमने टायर लिया था ना उन वजह से वो इतने बुरे तरीके से फटा ना अभी तक। गाइस तो स्वागत है आपका मेरे और एक ब्लॉग पे। आई होप आप सभी बढ़िया होगे और आजकल मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज हम दो जा रहे हैं रोडो, तो आज मैं दीदी के साथ जा रही हूँ। आज हम चाहिए रोडो, अरे निकालो आप। गाइस हम चल पड़े, मैं पीछे बैठी हूँ। तो गाइस यार अभी यहाँ पे टायर फट गया था हमारा, अभी हम यहाँ गैरेज पे रुके हुए और ये हमारे बने हुए हमने वाला टायर पीछे लगा लिया और एक टायर यहाँ हमारे को भैया दे दिया, काफ़ी अच्छे भैया है गाइस, तो अभी उसको लगाते फिर आगे चलते। तो गाइस अब तो दोनों टायर लग चुके हैं, मतलब जो वो लगा लिए और हम रोड को निकलेंगे। भैया का बड़ा बड़ा धन्यवाद, आते बार इनका टायर वापस करेंगे। A few moments later. Guys, you know? You don't know. जो हमने टायर लिया था ना उन वजह से वो इतने बुरे तरीके से फटा ना अभी तक। हम परे को जा रहे हैं गैरेज तक। गाड़ी टायर ऐसा फटा ना कि अभी यहाँ भी नहीं चल सकती कुछ मीटर। गाड़ी का टायर फट चुका है, पता है वो मैंने बताया, तो क्योंकि आज मैं ड्राइविंग कर रही हूँ ना, अगर पिंची ना पिंची ना पिंची बार ही पिंची ली थी मेरी अंगूठी वहाँ। गाइस यार बड़े बुरे हाल हो गए, क्यों है लगे फालतू में ऐसे आ गए तातो तातो गर्मी बहुत ज्यादा। गाइस आज मैंने पहली बार गाड़ी ऐसे इतनी लंबा चलाया, इसलिए हमारे को चैलेंज मिल रहे हैं यहाँ रचना तो कैपेबल है या नहीं है, दुख नहीं हुआ इस चीज का ना मेरे को तो बड़ा भारी दुख। बस ये लगा कि ऊपर वाला कितने चैलेंज लेगा मेरे, पर वेट कर रहे लोग आपको, पर कर रहे लोग वेट प्लान के लिए क्या हो रहा है जिंदगी जन जैसी हो गई गाइस। जन बोलते हैं जिसको नॉट ए झंड जन, दिस इज वेरी गुड फॉर अस जन, ऐसी चीजें होनी चाहिए लाइफ में, सबक मिलता है। और ऊपर वाला बोल रहा है ना रचना मैं तेरे को बहुत बड़ी चीज देने वाला हूँ, अगर तू ये चैलेंज पार करेगी तभी मिलेगा, क्योंकि कोई भी चीज बिना चैलेंज पार के नहीं मिलती है। गाइस ये टायर लग रहा है वो हमारा, इस तरह से लगेगा। भी आपको जरूरत हो ना टायर टूर की, देखो यहाँ शॉप गुम्मा में। गाइस ये ट्यूब है, इसकी हवा निकल रही है, बन रहा है ना। लड़कियों के लिए संदेश, हमेशा गाड़ी चलाओ, बहुत अच्छे से चलाओ, ऐसी ऐसी चीजें देखो सीखो, तो बहुत कुछ मिलता है। अम्मी भैया की गाड़ी ले जाएगी, मम्मी बस पीछे ले भैया के साथ गई पहले तक। ये हमारी गाड़ी खराब हुई है, जब हम पहुंच गए हैं हम यहाँ से अपना जो भी होता है वो निकाल लेते। अरे यार अलाइनमेंट भी आउट है। क्या क्या बोला भैया? गाड़ी और घर वाली कभी किसी को मत दो। इस गुम्मा से चल पड़े हम। यू नो गाइस पूरा भी चिल हुआ है, आई लव यू ऑल। मासी उधर से आ गए, मासी आ गए, तो हम लोग थोड़ा फ्रेश होने गए थे मासी के रूम। लुक लुक पहले कैसे थे और अब हो गए, हो गया तैयार से अपने प्लान के लिए तैयार, क्या करें बिजनेस आप लोगों की विशेष। सो गाइज अब हम थोड़ा सा काम हो गया, दीदी का थोड़ा रह गया, तो उससे पहले हम लोग जा रहे हैं, मासी वगैरह निकल गए, मैं रह गई पीछे। गाइस बहुत सारी सीढ़ियां चल रही है ऐसे पकड़ पकड़ के, आलस कैसे लगता है कैसे।
आप लोगों को मैं और मंदिर जा रहे हैं, इसलिए आलस नहीं करना पड़ेगा। गाइस आप लोगों को कभी भी मेरे को देख के नहीं लगता होना कि मैं किसी की भक्त होगी या कुछ भी ऐसा वैसा स्पिरिचुअल जैसी चीजों को मानती भी होगी या नहीं, तो मैं आप लोगों को कन्फर्म करने के लिए बताऊँ ना, मेरा मतलब भगवान पे इतना ज़्यादा विश्वास है और मैं इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, जैसे अपने कुल देवता हो गए वैसी सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मानती हूँ। थोड़ा सा रह गया गाइस हमारे पास, थोड़ा सा, इसीलिए वैसे जाएंगे। बाकी तो पहुँच चुके हैं दीदी वगैरह ऊपर, मैं ना बहुत आलसी हो चुकी हूँ इसीलिए हम जिम ज्वाइन कर रहे हैं। जल्द ही हम आपको नए रूप में दिखने वाले हैं गाइस। फिटनेस ज़रूरी है इंसान के लिए, क्योंकि उस टाइम मेरी टांगे क्यों दर्द हुई थी, वीकनेस के कारण। मैं खाना भी अच्छा अच्छा खाती हूँ, डाइट वाला, बाहर का भी मैक्सिमम ही छोड़ दिया, बहुत कम खाती हूँ कभी कभी। ये पूरा रोडू है, देखो लुक, रोडू यहाँ से आधा आधा दिखता है और देन उस साइड को व्यू देखो गाइस, चेक दिस व्यू, गजब का है ना गाइस। फाइनली हम पहुंच चुके हैं शिव मंदिर रोड, के जाना पड़ता है मंदिर, काफ़ी अच्छी लोकेशन में शिव मंदिर, वैसे रोडू में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लोकेशन में। अय्या पैर बज गया गाइस, हाय हाय सुकून। श्रद्धा में मगन यहाँ पे लोग जिस चीज का हम वेट सुबह से कर रहे हैं वो चीज फाइनली हो रही है। हमारा ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि हम मंदिर से आए, लेकिन क्या करे, आना पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब सुकून सा मिल जाता है, हमेशा हमेशा यही होता है मेरा, मन करता है ना यहीं सोए रहूँ, यहीं बैठे रहूँ,
वो यही सब आरती आकर के कभी कभी नेक्स्ट लेवल की भक्त बन जाती हूँ। वैसे तो मैं हूँ, फिर भी कभी कभी ऊपर चले जाता है सारा धड़कनों में चलती है शिव जी की आरतिया, मतलब ऐसा मजा आता है ना सीरियसली गाइस, आप लोगों को आइडिया भी नहीं होगा कितना पीसफुल है ये रोडू में, ये जगह द बेस्ट प्लेस है रोडू में। शिव मंदिर है यार संभाला के रास्ते में थोड़ा सा ऊपर को, नीचे रोड के साथ ही लगा होगा ये, कभी आओ ना रोड तो ज़रूर विजिट करके जाना और थोड़ी देर बैठना, थोड़ी देर समझना, आप लोगों को ज़रूर पीसफुल जैसा लगेगा। और दिन में मत आइएगा ना, दिन को गर्मी ज़्यादा होती है, यही कुछ शाम के समय में या सुबह फील तभी है। बाकी जाते अब हमको नहीं पता हमको आज गांव जाना है या शिमला, शायद गांव जाना हमको आज, तो गांव चलते हैं, मायला जाके आएगी। अप्रोक्सीमेटली गांव हैं दो घंटा तो लगेगा हमको, दो या तीन घंटा लगेगा गांव के लिए मेन रोड से। तो हम लोग ना निकलते हैं, मैंने ब्लॉग अपलोड में लगाया, कुछ परसेंट रह गए उसको अपलोड करते हैं फिर शाम को। मेरे को मैंने बोला है ना अपनी ओर से मैं पूरा 100% दूंगी कि मैं कंसिस्टेंस रहूँ, कि डेली पढ़ेंगे। टाइम का मैं नहीं बता सकती क्योंकि अपलोडिंग में कभी टाइम लगता है, पर डेली पढ़ेंगे, चाहे रात को 12 बजे पढ़ेंगे, 1 बजे पढ़ेंगे, लेकिन मैं अपना 100% दे रही हूँ, डेली पढ़ेंगे। सो गाइस अब हमारा प्लान बन गया है रोड से शिलादेश जाने का, कम से कम 10-15-20 साल दीदी बोल रहे पहाड़ी लैंग्वेज में, जो हमारी एज भारत थी, दीदी बोल रहे कि मैं बचपन में गई थी जब मैं 2 साल की थी शिलादेश। ठीक है गाइस, बाय बाय बाय, शिलादेश में मिलते हो आपको सुबह, आई थिंक सुबह ही मिलता कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चले जाएंगे लेके जाएंगे, तुझे लेके जाएंगे, आई लव यू ऑल, हवा को आपको देके जाएंगे और टूरिज्म प्लेस को बड़ा हो सकता है।